नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। यूपी जिला बिजनौर में श्री संजय अरोड़ा बापू से महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के निर्देशानुसार स्वतंत्र भारत की 75वीं वर्षगांठ साइकिल रैली निकाली गई। आज शहीद स्थल पर पहुंचकर सलामी दी गई। जिला बिजनौर में बापू से महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के निर्देशानुसार स्वतंत्र भारत की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव आज के शहीद स्थल पर पहुंचकर उपलक्ष पर साइकिल रैली का आयोजन ईटानगर से राजघाट नई दिल्ली तक किया जा रहा है। उक्त साइकिल रैली का आरंभ दिनांक 15/8/2021 को ईटानगर में किया गया, जो ईटानगर से तेजपुर, गुवाहाटी, कुंच विहार, सिलीगुड़ी, कटिहार, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ से होते हुए दिनांक 21/8/2021 को बरेली में पहुंची है। इसी कार्यक्रम से उक्त साइकिल रैली को श्री नीलाभ किशोर बापू से महानिरीक्षक उत्तरी सीमांत मुख्यालय के मार्गदर्शन में तथा श्री गिरीश चंद्र उपाध्याय महानिरीक्षक क्षेत्र मुख्यालय बरेली की देखरेख में उत्तर साइकिल रैली को बरेली से दिनांक 22/8/2021 दिनांक 2/10/2021 राजघाट नई दिल्ली तक आयोजित किया जा रहा है। साइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनता को देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान एवं उनके द्वारा किए गए प्रयासों से अवगत कराना है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करना, स्वस्थ जीवन शैली के संबंध में जनता को जागरूक करना है। वर्तमान में विश्व में पहली वैश्विक महामारी COVID-19 बीमारी से बचाव एवं कोविड नियमों के पालन करने के लिए जागरूक करना है। इस दौरान टीम द्वारा वृक्षारोपण, संस्था उद्यान, मेडिकल कैंप इत्यादि का भी आयोजन किया जाएगा। 200 वर्षों के गुलाम रहने के बाद आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 2022 को हमारे देश की 75वीं वर्षगांठ, लगभग 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इसको भारत सरकार द्वारा अमृत महोत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है। क्या ये हर साल मनाया जाता है? नहीं, ये अभी जैसे कि अब 75 साल, पहले 50 साल पूरे हुए थे तो 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी और अभी 75वीं वर्षगांठ। वैसे तो 15 अगस्त जो हमारा है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये 15 अगस्त को हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी तो स्वतंत्रता दिवस तो हर साल मनाया जाता है, परंतु एक पर्टिकुलर एक माइलस्टोन होता है तो 75वीं वर्षगांठ को इस बार अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और 12 मार्च 2021 को दांडी मार्च के 91 वर्ष पूरे होने के उपरांत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से एक पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसी क्रम में हमारे ITBP की साइकिल रैली का आयोजन हमारे महानिदेशक महोदय श्री संजय अरोड़ा भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक ITBP के द्वारा उनके दिशा निर्देशन में ईटानगर से और ये 2 अक्टूबर को विभिन्न स्थानों से चलते हुए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर ये राजघाट नई दिल्ली पर पहुंचेगी। इस दौरान हमारे जितने भी जो शहीद हुए हैं उनको याद किया जाएगा, जितने भी शहीद स्मारक बने हैं वहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपने दिन रात एक कर दिए और अपना बलिदान दिया, तो उन शहीदों की याद में और उनके किए गए प्रयासों को हमारे द्वारा जनता को जागरूक किया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा।